एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ट्रक की चपेट में 14 साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया नाबालिग, युवक ने फांसी लगा कर दी जान। दर्शकों, अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राघवगढ़ नगर में शनिवार सुबह एक ट्रक चालक ने साइकिल सवार बालक को कुचल दिया, जिससे बालक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। घटना शनिवार सुबह 8 बजे के आसपास की है। गोदाम से ट्रक पीडीएस का चावल लेकर राघवगढ़ की राशन दुकानों पर सप्लाई करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान नगर में घुसते ही बस स्टैंड के पास एक बच्चा ट्रक की चपेट में आ गया। दुर्घटना में ऋतिक रामप्रसाद सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना राघवगढ़ नगर के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। शहर में बाहर से सामान लेकर अंदर आ रहे अज्ञात ट्रक ने एक साइकिल सवार बालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों की भीड़ ने मौके पर ही ट्रक में आग लगा दी। पुलिस व प्रशासन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक ट्रक जल चुका था। दूसरी खबर, साप्ताहिक बाजार में 16 वर्षीय बालक चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। करड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता चार गांव निवासी लोकेश तिजरे यह शाम के समय देवहाड़ा बुज के साप्ताहिक बाजार गया था। इस दौरान उसके साथ में लक्ष्मण बोंद्रे, अजय कामले भी थे। वे सब्जी खरीद रहे थे। इस दौरान भीड़ का फायदा उठाकर बालक ने 3 मोबाइल चुराए। करडी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस नायक राघवते कर रहे हैं। तीसरी खबर, कोंढारी बाजार गांव के स्टार की पॉइंट रिसोर्ट में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोंढारी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। मृतक भूषण सुरेश धाम गाय बताए गए हैं। घटना गुरुवार की शाम 4 बजे उजागर हुई। भूषण नागपुर की न्यू ठावले कॉलोनी जरीपटका का रहने वाला है। वह रिसोर्ट में पिछले 5 साल से बतौर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।